सबसे पहले आप मीडिया को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, आप लोग आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली पब्लिक को और मीडिया के थ्रू जानकारी देने के लिए है कि 12 तारीख को अस्तब करना है। देन यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। एक और एक पॉइंट है कि हम लोग ने 1 तारीख से दिसंबर से दिल्ली अभियान का भी प्रोग्राम किया है। हम लोग इस बार 2000 लोग हम लोग पूरे त्रिपुरा से ट्रेन में हम लोग दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करेंगे, इंडिया गेट के सामने प्रोटेस्ट करेंगे और अपना डिमांड, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड जो हमारा है उसको भी हम दिल्ली में रखेंगे। 2000 लोग 1 तारीख दिसंबर को दिल्ली जाएंगे, ये हमारा दिल्ली अभियान भी, इसके लिए भी मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता था। एनी क्वेश्चंस? आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। मास गैदरिंग करेगा ये प्रोग्राम, हमने पहले 6 तारीख को चुना था लेकिन क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आने का बात था तो इसके लिए उन्होंने हमें परमिशन नहीं दिया था, उसके बाद डिलेज हो रहे थे। लेकिन खुशखबरी है कि अभी हमको क्लियरेंस मिल चुका है, 12 तारीख जो सैटरडे है, 12 नवंबर अस्तबल ग्राउंड में अगरतला में तीपरा मोथा अपना मास गैदरिंग करेगा। हम थ्रू द मीडिया सबको बोलना चाहते हैं कि ये मास गैदरिंग शांति से पीसफुली, हम अपना पॉइंट्स रखना चाहते हैं, हम अगरतला में कोई डिस्टर्बेंस या टेंशन नहीं देखना चाहते हैं। ये रैली 11 बजे शुरू होगा और 2 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। रैली नहीं होगा, गैदरिंग होगा अगरतला में, कहीं में मार्च नहीं होगा, डायरेक्टली सब अस्तबल ग्राउंड में गैदर करेंगे और उसके बाद ये प्रोग्राम शुरू होगा। सो थ्रू द मीडिया मैं चाहता हूँ कि ये आप थ्रू योर चैनल, थ्रू योर न्यूज़पेपर, ये आप जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म कर दीजिए। उस दिन अगर किसी को कुछ कष्ट भी हो सकता है तो इसके लिए हमने पुलिस से भी परमिशन लिया है और पुलिस ने भी हमें परमिशन दे दिया है और ग्राउंड का परमिशन भी अब मिल चुका है। तो ये मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 12 मार्च को जब हमारा रैली हुआ था, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रैलीज इन त्रिपुरा। हम इस बार भी लास्ट टाइम से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करेंगे, शांति से इकट्ठा करेंगे एंड पीसफुली हम लोग अपना एक पॉइंट रखना चाहते हैं कि वी वॉन्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन द इंटीरियर्स एंड इन द इंटीरियर इन द EDC। अगर किसी को कुछ और क्वेश्चन पूछना है या सवाल करना है, माय प्रेसिडेंट बीके रांखोल इज़ हियर, माय YTF प्रेसिडेंट इज़ हियर, सीनियर MDC अनंत दे वर्मा इज़ हियर, श्रीधाम दे वर्मा फॉर्मर EMS हियर, दिनेश दे वर्मा इज़ हियर, TWF प्रेसिडेंट इज़ कमिंग शॉर्टली। तो नहीं, देयर इज़ बीन नो डिस्कशन, there's been no discussion. Of course people come individually and talk to me, but there's been no discussion at any level to say that there will be a alliance. Our line is very clear, we are fighting for our constitutional solution and a demand for greater Tripura land for our survival and existence. That is a demand. Anyone who gives it to us in writing, we will consider it. If they don't give it to us in writing, there's no problem, we will fight on our own and we will see after that. If there is call for a secular democratic, not alliance. Pinaki, I'll tell you something. मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। The indigenous people, the Tiprasa people, are not fighting for power. We are fighting for rights. We are fighting for a survival and existence. Those people, जिसके पास पहले से rights है, वो लोग power के लिए fight करते हैं। हम लोग के पास rights नहीं है, पहले rights मिल जाए उसके बाद power के लिए fight करेंगे। पहले आप राइट्स हमें राइटिंग में दे दीजिए, उसके बाद पावर के लिए बात करेंगे। जिनके पास राइट्स है वो लोग पावर के लिए फाइट करते हैं, हमारे पास राइट्स नहीं है, पहले राइट्स के लिए हम फाइट करेंगे। राइटिंग में दीजिए ना, अपील करने से क्या होता, आप हमको राइटिंग में दीजिए, आपका क्या व्यू है, हमको क्या दे सकते हैं आप राइटिंग में? अपील नहीं, देखिए आई एम वेरी कैटेगरी, आई एम टेलिंग यू, सी आई एम नॉट लाइक अदर नेताज, मैं डायरेक्टली बात बोल रहा हूँ।
मैं अपने लोगों को क्या जवाब दूं कि हम ग्रेटर त्रिपुरा के लिए फाइट कर रहे थे, अब ऑल ऑफ अ सडन हम सेक्युलरिज्म के लिए फाइट करेंगे? सेक्युलरिज्म तो पहले से हम हैं ही, हमारे पार्टी में मुस्लिम्स हैं, एससीज हैं, हिंदुस्तानी हैं, बंगालीज भी आ गए हैं, त्रिपुरासाज हैं, हम तो अपने एरिया में, हमने तो सेक्युलर फ्रंट करके तो हमने एडीसी जीता है। माय पॉइंट इज दैट कोई भी अगर किसी को भी अलायंस चाहिए तो राइटिंग में बताइए कि आप त्रिपुरासाज को क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देना चाहते हैं, राइटिंग में दीजिए, वो अपील करने से नहीं होगा, राइटिंग में दीजिए। अगर आप राइटिंग में नहीं देंगे तो मैं अपने लोगों को जाके क्या बोलूँगा? हम अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, वो लोग पावर के लिए फाइट कर रहे हैं। जब तक राइट्स नहीं मिलेगा तब तक पावर का कुछ मतलब नहीं रहता। राइट्स आने के बाद हम पावर के लिए फाइट करेंगे, पहले राइट्स ले ले, अधिकार ले ले अपना, 13 लाख त्रिपुरासा के लिए।